तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा अलग ब्लॉग होने वाला है जो भी मैंने कभी शूट नहीं किया, बट आज मैं पहली बार कर रही हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो है क्वेश्चन आंसर राउंड, जहाँ पे हम रैंडम लोगों के पास जाके उनसे कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कितना तेज़ है उनका दिमाग। अलग अलग एज कैटेगरी के पास जाएंगे, इसकी कोशिश रहेगी। और चलते हैं, अब ब्लॉग शुरू करते हैं, आइए। हेलो हेलो, आपका क्या नाम है? अली रजा खान। संगम सिंह। अच्छा, तो मैं ना कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रही हूँ, तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा एक गिफ्ट। और चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसा कौन सा फूल है जिसमें ना तो कोई स्मेल है और ना तो कोई कलर? आपके पास 20 सेकंड है। ओह वाओ, सही जवाब, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आपसे, ऐसा क्या है जो किसी को नहीं पता सिर्फ आपको पता है? जल्दी, 20 सेकंड्स है आपके पास। तो बहुत सारी चीजें, एक एक बताइए। नहीं, मेरी मम्मी का नाम नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को। आप बहुत क्लोज है इसके, लेकिन वो चीज आपको पता है और किसी को नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता है, आपको पता होगा। नाम ही इसका सही आंसर है। थैंक यू सर, आप लोगों का। एक क्वेश्चन कर सकते हो आपसे, बस बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा कोई जनरल नॉलेज वाला नहीं है। हेलो मैम। हेलो, आपका क्या नाम है? भव्य सोनकर। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर आपने इसका सही जवाब मिला तो आपको मिलेगा एक गिफ्ट, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। रामू की माँ के 3 बच्चे हैं, एक का नाम चवन्नी, एक का नाम अठन्नी, तीसरे का नाम क्या होगा? 20 सेकंड आपके पास। 20, 19, 18, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 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 15
तो तीसरे का नाम क्या होगा? 2000 years later. रामू. हाँ, बट बीच सेकंड ओवर हो गए थे. चलिए एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको. लास्ट एक क्वेश्चन है कि वो क्या है जिसे आप सिर्फ अंधेरे में ही देख सकते हैं? नहीं, अंधेरे में ही देख सकते हैं. हाँ. नहीं, अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखेगा. अंधेरे में देख सकते हैं. हाँ. नहीं बता, अंधेरा ही देख सकते हैं आप. आंसर भी दिया मैंने, अंधेरा ही देख सकते हैं. आप आ जाते. चलिए थैंक यू सो मच मैम आपके लिए. आंसर पूछूंगा दोबारा. हाँ. आप में से कोई ट्राई करेगा? मैं भी मुझसे पूछूंगा. मजा आ रहा था. मजा आ रहा था. चलिए ले लो ले लो ये लो. अच्छा बताइए, 80 में से 8 बार आप कितने बार घटा सकते हो? 80 में से 8 बार कितने घटा? 80 में से 8 कितनी बार घटा सकते हो? 10 बार. नहीं, 2 बार. नहीं, 0. नहीं, घटाना तो पड़ेगा. 8 घटाने हैं हमें. 80 में से 8 बार कितनी बार घटा सकते हो? 7 टाइम. नहीं, जल्दी. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वीडियो देखना बहुत. अपना पहले नाम बता दीजिए. संस्कृति. आपका नाम क्या है? अंकिता. अच्छा, चलिए बहुत ही. नहीं, YouTube वीडियो है ये. अच्छा, YouTube वीडियो है तो आप सुना. हाँ, व्लॉग है ये. व्लॉग ही बन रहा है तो आपको इधर आंसर करना है. इधर देखते हुए, ठीक है? तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि ये बहुत ही फनी क्वेश्चन है. तो जापान के लोग केला खाने के बाद उसके छिकल का क्या करते हैं? फेंक देते हैं. वेरी गुड, वेरी
वेरी गुड वेरी गुड, यही आंसर था। चलिए एक एक क्वेश्चन और करती हूँ मैं आपसे। चलिए बताइए 80 में से 8 कितनी बार घटा सकते हो? 80 में से 8 कितनी बार घटा सकते हो? सोचो सोचो सोचो, ये तो कैलकुलेटिव है। आइडिया नहीं है। हाँ? आइडिया नहीं है। आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, वो ले लीजिए। भैया भैया भैया, एक सवाल कर सकते हैं आपसे? बताओ। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको हम देंगे गिफ्ट, ठीक है? चलिए आपका सवाल आप बताओ। रामू के माँ के तीन बच्चे हैं, एक का नाम है चवन्नी, एक का नाम है अठन्नी, तो तीसरे का नाम क्या होगा? मुझे तो पता नहीं, वो बताओ ना भैया। वो बता देंगे, उधर पूछो जाके। चलो उधर पूछते हैं। भैया एक सवाल कर सकते हैं आपसे? एक सवाल करूं? जी। चलिए, उन्होंने बोला कि आप जवाब दे दोगे। बताओ। चलो अच्छा आप बताओ, रामू की माँ के तीन बच्चे हैं, एक का नाम है चवन्नी, एक का नाम है ठन्नी, तो तीसरे का नाम क्या होगा? एक रुपया होगा उसका तो। नहीं नहीं नहीं, और कोशिश करो। नहीं, एक रुपये नहीं है। और क्या पैसे? 10 पैसे? नहीं। और सोचो। वो हम क्या, तुम्हें बता दो अब जब हमें पता। अगर रामू की माँ के तीन बच्चे हैं, एक का नाम चवन्नी, एक का नाम अठन्नी, तो तीसरे का क्या होगा? 75 पैसे जाऊंगे। नहीं नहीं, और कोशिश करो भैया, आप दे दोगे जवाब, मुझे लग रहा है। आ नहीं पा रहा। नहीं आ पा रहा। और कोई आप में से? कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं फिर, थैंक यू सो मच भैया, ये आपने बहुत अच्छी कोशिश की। आप लोगों से एक क्वेश्चन बस, आप में से कोई भी जवाब दे देना। हाँ, पूछिए भाई। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कॉमन सेंस से रिलेटेड है, ठीक है? अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा गिफ्ट। चलिए, उस पक्षी का नाम बताओ जिसके सर पर पैर होते हैं। नहीं, और ट्राई करो, और आप कोशिश करो, कोशिश करो। नहीं बता। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। ऐसा कौन सा फल है जिसके नाम में लड़की का नाम आता है? ये तो बहुत इजी, आप बता दोगे, कोशिश करो। भाई बताओ, फल खरीद खरीद क्यों परेशान हो? बता। लेकिन एक सेकंड। फल खरीद खरीद क्यों परेशान? खरीद खरीद के परेशान हो? आपने इतनी सब्जी खरीदी होगी, आपका नाम तो पता होगा। नाम तो याद नहीं आ रहा, पता तो था। तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया। नहीं पता? नहीं पता आपको भी? हाँ, सीताफल। वेरी गुड। आपके लिए छोटा सा गिफ्ट हमारी साइड से। आपका नाम क्या है? माय नेम इज अनमोल सिंह। अच्छा, तो भैया मेरा नाम पूछ रहे थे YouTube चैनल का, तो मैंने भैया को ही ले लिया वीडियो में, कि अब आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगी मैं। तो चलिए भैया आप बताओ, उस पक्षी का नाम बताओ जिसके सिर पर पैर होते हैं। उस पक्षी का नाम बताओ जिसके सर होते हैं। जिसके सिर पर पैर होते हैं। हाँ भैया सही जवाब दे रहे हैं, हर पक्षी के सर पर। आप आओ भैया वीडियो में, आप आओ। भैया दूर से खड़े होकर आंसर कर रहे हैं भैया। चलिए एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आपसे, भैया ने सही जवाब दिया है इसका। तो भैया बताओ, अकबर बादशाह नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में पूरब के दरवाजे से जाते हैं, तो निकलते किस दरवाजे से होंगे? पूरब के ही निकलेंगे? नहीं नहीं, 20 सेकंड ना भैया आपके पास। पूरब से ही निकलते? नहीं, एक बार फिर से रिपीट। रिपीट नहीं हो सकता क्वेश्चन, आंसर नहीं है तभी ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता। एक बार और रिपीट कीजिए। चलिए एक बार और कर देती हूँ मैम। अकबर बादशाह नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में पूरब के दरवाजे से जाते थे, तो निकलते किस दरवाजे से होंगे? पढ़ने ही तो जाते हैं, नमाज पढ़ के वापस आएंगे तो निकलेंगे भी तो ना, बस पूरब से ही आएंगे ना। नहीं, जल्दी, बहुत टाइम बचा है। नमाज बाहर ही पढ़ते हैं। 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, आपने एक का बहुत अच्छा आंसर दिया। सारे पक्षी के सिर पर पैर होते हैं, ठीक है। तो भैया आपका एक गिफ्ट बनता है। हेलो हेलो, आपका क्या नाम है? स्वाति चौधरी। अच्छा, दिया। अच्छा, तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा एक गिफ्ट। और ये कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन ईस्ट से वेस्ट की साइड जा रही है तो उसका धुआं कौन से साइड जाएगा? वो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसमें धुआं नहीं होगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन, हाँ। वेरी गुड, बहुत तेज दिमाग है आपका। चलिए एक क्वेश्चन, अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन करती हूँ। अकबर बादशाह नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में पूरब के दरवाजे से जाते थे तो निकलते किस दरवाजे से होंगे? मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता। पूरब से जाते थे तो पूरब से ही निकलेंगे? नहीं, पश्चिम से नहीं। नमाज पढ़ने मतलब 20 सेकंड्स हैं आपके पास। नमाज पढ़ने जाते थे पूरब के क्वेश्चन क्या था, उसका नाम क्या था? चलिए मैं मस्जिद, हाँ जामा मस्जिद में रास्ता है क्या, एग्जिट वगैरह कुछ भी? टाइम्स अप हो गया आपका, तो लाओ गिफ्ट ले लो पहले आप। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो चलते चलते हम बहुत दूर आ गए हैं लोगों को ढूंढते ढूंढते। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना प्लीज़, क्योंकि इतनी धूप में वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए प्लीज़। क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोगों से? अरे बहुत ईजी है, कॉमन सेंस से रिलेटेड है, बस यही बताएंगे। एक क्वेश्चन है बस। हाँ ये कर लो पहले। आदित्य, आदित्य आपका? मेरा सुमित। आपका? मेरा पुनीत। पुनीत, आप भी एक क्वेश्चन है बस। बताओ। आपका नाम क्या? सौरभ। सौरभ, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर एक अंडा उबालने में 4 मिनट लगते हैं तो 4 अंडे को उबालने में कितने मिनट लगेंगे? आप बताओ। क्वेश्चन है, बताइए अगर आपको पता है तो। 16 मिनट नहीं, 4 ही मिनट लगेंगे। हाँ 4 ही मिनट लगेंगे। चलिए एक आपने सही दे दिया, थैंक यू सो मच। ओके, आपका नाम क्या? शिवा। अच्छा, आपका नाम क्या? अनवी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत ही। तो क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन ईस्ट से वेस्ट की साइड जा रही है तो उसका धुआं कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक ट्रेन से धुआं नहीं निकलता। एक और बस एक क्वेश्चन है, अगर 10 मिनट में 10 रैबिट 10 गाजर खाते हैं तो 100 मिनट में 100 गाजर खाने के लिए कितने रैबिट लगेंगे? रैबिट तो उतने ही है ना? नहीं, रैबिट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मिनट और कैरेज का क्या होता है? क्या फिर से पूछना? अगर 10 मिनट में 10 खरगोश 10 गाजर खा रहे हैं तो 100 मिनट में 100 गाजर खाने के लिए कितने खरगोश लगेंगे? 100 मिनट में 100 गाजर खानी है। आप बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो मुझे, इसलिए मैंने ये सबसे टफ क्वेश्चन अभी तक का पूछा है। 10 ही रैबिट लगेंगे? नहीं, पता नहीं, I don't know। एक ही लगेगा क्योंकि 10 खरगोश 10 मिनट में 10 गाजर खा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, एक मिनट, एक गिफ्ट है आपके लिए। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? सुनील। एक सवाल कर सकती हूँ मैं आपसे? हाँ जी। अच्छा, तो भैया ये बताओ, ऐसा कौन सा फल है जिसके नाम में लड़की का नाम आता है? लड़की का नाम आता है, भैया अगर आप हार गए तो मुझे पानी पिला देना। चेरी। क्या? चेरी। चेरी नहीं भैया, उसमें फल भी आता है। ये फल ही है? नहीं 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 नहीं, दूसरा भैया। पाइनएप्पल? नहीं। तरबूज? नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आपसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अंधेरे में देख सकते हैं? लाइट। अंधेरे में लाइट कैसे देखेंगे भैया, अंधेरा है, हमें दिखेगा ही नहीं जो अंधेरे में देख सकते हैं। हाँ। एक मच्छर आवा लाइट वाला। जुगनू? नहीं भैया नहीं,
तो भैया हार गए। अरे नहीं भैया नहीं, मैं मजाक कर रही थी भैया, मैं सही में पिलाने लग गए। अरे नहीं नहीं, बस इतना ही बहुत है। कोई बात नहीं भैया, आपने बहुत अच्छी कोशिश की और आपने कैमरे को भी फेस किया, तो आपके लिए बनते हैं एक चॉकलेट। सो हेलो गाइस, और आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सुबह से हम घूम रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए, लोगों से क्वेश्चन आंसर करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता ही नहीं सकती। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखने तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, जिससे मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाऊँ। ये मेरा पहली बार का क्वेश्चन आंसर राउंड वाला, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।